Hello, assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about how to deal with the drop down using Selenium. So let's start and moving to the coding part. So first of all hum is test method mein ek driver jo hai wo initialize kar lete hain, is equal to new from ड्राइवर। इसका पीडी टैग जो है वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू सेटअप सिलीनियम। देन हम यूआरएल ओपन कर लेते हैं, इज इक्वल टू डायरेक्ट जो है वो मेन्यू वाले पेज पे ही जाएंगे। Then हम इस पेज को में जो ड्रॉप डाउन है इसे जो है वो ऑटोमेट करने जा रहे हैं। सो तो इस ड्रॉप डाउन में जो है डिफरेंट जो है वो कलर्स मौजूद हैं। सो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो ये सिलेक्ट टैग जो है इसकी आईडी मौजूद है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम गौर से देखें तो इस सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन का टैग मौजूद है और उस ऑप्शन का एट्रीब्यूट एक वैल्यू भी है और उसमें जो है वो टैग्स भी है। तो जब भी हम ड्रॉप डाउन को ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं तो वी हैव थ्री चॉइसिस कि आइदर हम जो है वो बाय वैल्यू सेलेक्ट करें और बाय टैग्स सेलेक्ट करें, जैसे ये ब्लू है तो ये टैग्स है और अगर मुझे वैल्यू से कॉल करना होगा तो मुझे वन देना होगा, और बाय इंडेक्स से भी हम इसको कर सकते हैं। इंडेक्स पोजीशन जो बनती है, लेट सपोज ये ज़ीरो एंड वन। सो इसको हम देखते हैं कोड में, हमने इसको जो है वो कॉपी कर लिया है। सो मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ एलिमेंट इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और आईडी जो है वो जो हमने कॉपी किया था मेन्यू का वो है। तो इसको मैं इस एलिमेंट को मैं सेलेक्ट भी कह सकता हूँ कि ये मुझे सेलेक्ट को फाइंड करके लेकर आ जाएगा। देन सेकेंड जो है वो मुझे एक और वेरिएबल बनाना होगा और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा ड्रॉप डाउन है, तो मैं इसे कह देता हूँ दिस इज़ माय सिलेक्ट ड्रॉप डाउन और आई कैन आल्सो कॉल इट एट एज ऑप्शन। सो न्यू सिलेक्ट एलिमेंट और इसके अंदर हम सिलेक्ट को पास कर देंगे। सो सिलेक्ट एलिमेंट को हम रिजॉल्व कर लेते हैं और यूजिंग ओपनक्यूए डॉट सिलीनियम डॉट सपोर्ट डॉट यू आई इसे में, तो पर ये यहाँ पे शो हो गया, तो ये रिजॉल्व भी हो गया। नाउ अब मैं जो है वो जो हमारे पास तीन ऑप्शन थे कि बाय टैक्स बाय वैल्यू और बाय इंडेक्स, वो अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई होगा, तो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्ट, सो एज यू कैन सी सिलेक्ट बाय इंडेक्स टैक्स एंड वैल्यू। सो तो हम यहाँ पे बाय टैक्स करते हैं और हम यहाँ टैक्स देते हैं ग्रीन। नो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केस। सो ड्रॉप डाउन में डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो ब्लू है और वो ग्रीन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट हो गया है क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है, तो वो इतनी स्पीड से हुई है कि आपको नज़र नहीं आए।
तो नाउ अब इस लाइन को मैं कमेंट करके अब मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू, तो वैल्यू मैं दे देता हूँ 3। थर्ड वैल्यू में क्या है ये हम देख लेते हैं। थर्ड वैल्यू जो है 1 2 3, और तो वैल्यू भी जो है वो इस पैक करके ही देख लेते हैं। सो वैल्यू 3 जो है वो येलो है, तो येलो सेलेक्ट जो है वो हो जाना चाहिए। हम वैल्यू 3 पास करके इसे देख लेते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस मरतबा क्योंकि हमने वैल्यू सेलेक्ट किया है, हमने 3 दिया है, तो 3 वैल्यू पे जो टेक्स्ट मैप हुआ हुआ है वो है येलो कलर। येलो सेलेक्ट हो गया और टेस्ट का हमारा पास भी हो गया। मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ और सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स में अगर हम देते हैं लेट्स सपोज 5, और तो हम लेट्स सी 5 इंडेक्स पे क्या है। इंस्पेक्ट और इंडेक्स 5 पे 0 1 2 3 4 5 वह है ब्लैक। ब्लैक सेलेक्ट जो है वो हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है और इसने ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। हमने 3 डिफरेंट तरीक़ों से देखा है ड्रॉप डाउन को, बाय इंडेक्स, बाय वैल्यू एंड बाय टेक्स्ट। इसको अगर हम रिवाइज करें तो और समराइज करें तो ड्रॉप डाउन जो है ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट आपको कंट्रोल फाइंड करना होता है, देन उसका सेलेक्ट एलिमेंट फाइंड करना होता है, और उसमें आप जो है वो उसका ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेलेक्ट नेम दिया है, आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, और आप एलिमेंट यहाँ पास कर दें। और फिर जो जो सेलेक्ट एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो फिर इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन जो है ये ऑटोमेशन का था। होप चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।